नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रीवा में स्कूली बच्चों से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मऊगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डीजीपी ने मामले में दखल दिया है और रीवा पुलिस को मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन रीवा पुलिस ने आनन फानन में पत्रकार वार्ता बुलाकर मनगढ़ंत कहानी तैयार करते हुए खुद से मामले से किनारा काट लिया। पुलिस ने मारपीट के वीडियो को 2 साल पुराना बता रही है और इस मामले को मेडिकल नशे से जुड़कर बता रही है। लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूली बच्चे के साथ युवक किस तरह से मारपीट कर रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में सक्रिय गिरोह के सदस्य स्कूली बच्चों को जबरन मेडिकल नशे का आदि बनाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ मारपीट करते हुए उनका वीडियो भी बनाते हैं और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। तस्दीक की हम लोगों ने, तस्दीक करने पर सबसे पहले तो हम इस मैसेज में जो मऊगंज रकरी का सुनील कॉल है जो इसमें फरियादी है, उस फरियादी के गांव गए रकरी में, तो हमने पाया कि रकरी में कोई सुनील कॉल नाम का व्यक्ति नहीं है। इसके बाद इसमें जो आरोपी था रोहित मिश्रा, इसके यहां पे हम गए घर पे। इससे जब हमने पूछताछ की तब इसने पूरी ये घटना बताई कि प्रशांत मिश्रा और अमित पांडे मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जब हमने उसकी तस्दीक के लिए प्रशांत मिश्रा और अमित पांडे को बुलाया, तो जब उनसे हमने पूछताछ की तो ये पूरा मामला खुलकर हमारे सामने आया। चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजय, रीवा से जो स्कूली बच्चे के मारपीट का वीडियो सामने आया है, अब इस वीडियो वायरल होने पर डीजीपी ने भी मामले में दखल दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो 2 साल पुराना है, क्या है ये पूरा मामला? जी, दरअसल मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 2 दिन पुराना सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा था जी, जो कि एक अखबार का फ्रंट लाइन बन गया जी। जब वो अखबार भोपाल तक पहुंचा तो वहां से डीजीपी ने स्वयं इस मामले को संज्ञान में लिया और यहां इनको फटकार लगाए कि इस मामले के तहत जानकारी प्राप्त कर हमें तत्काल जानकारी दें जी। ऐसे में पुलिस ने तत्परता से काम किया, लेकिन आखिरकार जानकारी अंत तक जुटाई नहीं पाए। आनंद थाने में ऐसे ही जबरन 3 लोगों को पकड़कर उन पर मामला धर दिखा दिया कि इन पर मामला काम कर दिया जी, जबकि यह मामला ऐसा कुछ है नहीं जी। अजय, पुलिस द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, क्योंकि आनंद थाना में इनको जानकारी दी गई जी। अब 1 दिन के अंदर कहने का, हालांकि बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इनको कर लेना चाहिए, लेकिन ये मामले की अंततः तक नहीं पहुंच पाए हैं और आनंद थाना ने ऐसे ही पीड़ित को ही अर्ज बना दिए जी। अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। रीवा में स्कूली बच्चे से मारपीट का मामला सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मऊगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डीजीपी ने मामले में दखल दिया है। आपको बता दें कि रीवा पुलिस ने आनंद फानन में पत्रकार वार्ता बुलाकर मनगढ़ंत कहानी तैयार करते हुए बताया कि ये वीडियो 2 साल पुराना है। चलिए,